है, मुझे लगता है आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। कहता है इफ ये सीरीज दी हुई है 1 -2 +3 -4 +5 -6 300 तक दी हुई है, और इस ये जो है इज इक्वल टू टोटल जो है इसका जीरो है, यानी पहला टर्म जो है प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तीसरा प्लस में, चौथा माइनस में। यहाँ देखें तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 3 है, यानी कि प्लस वाले ऑड वाले जो टर्म्स हैं वो प्लस में हैं, पॉजिटिव हैं, और जो इवन वाले टर्म्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये निगेटिव में है, और ये टोटल जीरो हो आ रहा है। तो कहता है कि एग्जैक्टली वन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, इस सीरीज में एक नंबर कोई मिसिंग है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिसिंग नंबर? तो देखिए क्या है कि हम इसको क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि हम इस सीरीज को टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्या करेंगे, ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं 1 +3 +5 +7 +9 अप टू 299, इनको एक तरफ हमने कर लिया, पॉजिटिव हैं ये, और जो इवन नंबर्स हैं -2 -4 -6 -8 इनको हमने अलग कर लिया, और ये माइनस को कॉमन ले लिया। अभी क्या है, ये जीरो आना चाहिए, तो एक सीरीज तो ये बन गई ऑड नंबर्स की 1 +3 +5 +7 अप टू 299। दूसरी सीरीज अब हम इसका सम निकाल लें, और दूसरी सीरीज का सम निकाल लें, दूसरी जो इवन नंबर्स की सीरीज है इसका सम निकाल लें, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो जीरो आ जानी चाहिए। अगर ये दोनों सब्सट्रैक्ट करने पे जीरो नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है, तो वही वैल्यू तो मिसिंग होगी इस सीरीज में, तो हम आगे इनका सम निकालेंगे। अब आप देखिए, तो पहला अगर हम ये सीरीज लें 1 +3 +5 +7, तो ये क्या है, ये शो कर रहा है कि ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 -1 करेंगे 2 आएगा, 5 -3 करेंगे 2 आएगा, और ये लास्ट टर्म इसका क्या है, 299 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, टोटल 300 तक गया हुआ है। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 300 हैं इस कंबाइंड सीरीज में। तो पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले दोनों तो इक्वल नंबर्स में हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 300/300/2, और नेगेटिव वाले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 300/2, यानी कि ये 150 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसके भी 150 होंगे इसमें, और ये जो पॉजिटिव नंबर्स ऑफ जो सीरीज है इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 150 होंगे। तो हमें क्या है कि फर्स्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 150 पता है, कॉमन डिफरेंस 2 पता है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ सीरीज निकाल लेंगे। तो क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, n की वैल्यू 150 अपॉन 2 पुट कर दिया, 2 × a, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, a की वैल्यू यहाँ 1 है, और n की वैल्यू 150 - 1 × d, कॉमन डिफरेंस 2 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 75 और 2 प्लस ये 150 में से 1 गया 149 × 2, यानी 75, ये कितना हो जाएगा, 149 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 298, यानी 75 × 300, इसकी वैल्यू आई 22,500। अब हम सेकंड सीरीज देखते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 up to 300, इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस भी 2 होगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू भी 150 होगी, तो इससे क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे, n/2 2a + n-1 × d, इसका सम भी 150/2, और ये फर्स्ट टर्म यहाँ 2 होगा, 2 × 2 + 150 - 1 × 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 22,650। अब देखिए एज पर क्वेश्चन, ऑड ऑड जो सीरीज है उसका सम
और जो इवन सीरीज है उसका सम, दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो जीरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये ऑड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स की जो सम है वो आ रही है 22,500, और इवन जो टर्म्स हैं उनका सम जो आ रहा है वो 22,650 है। तो कितना अधिक है, ये 150 जो है ये अधिक है, यानी कि एक कोई टर्म 150 इस ऑड नंबर वाले टर्म में होना चाहिए था, जिससे कि ये सीरीज ज़ीरो हो सके, ये जो सीरीज है ये इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो मिसिंग वही नंबर होगा, यानी मिसिंग नंबर कौन सा होगा, 150। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो उम्मीद है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।